मध्य प्रदेश सरकार का एक विज्ञापन माननीय कमलनाथ जी के फोटो के साथ देखा। सरकार को आईना दिखाने के लिए यही विज्ञापन काफी है। उन्होंने अपराध और माफिया मुक्त होने की बात कही, रेत के अवैध कारोबार खत्म करने की बात कही। अगर रेत का कारोबार और माफिया खत्म हो गया तो जो कंप्यूटर बाबा नदियों पर जाके पकड़ रहे हैं, कभी पोकलिंग पकड़ते हैं, कभी ट्रैक्टर, कभी डंपर, तो ये कौन से किनको पकड़ रहे हैं? कौन सा अवैध कारोबार है और कौन कर रहा है? आपके मंत्री कह चुके कि हम माइनिंग का काम, अवैध माइनिंग नहीं रोक पाए इसलिए हम माफी मांगते हैं। आपने कहा कि ड्रग माफिया, अरे आप सरकार हुजूर, मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान सिर्फ आपने शराब से किया है। होम डिलीवरी की बात सरकार सोच रही है, कैसे ड्रग माफिया को रोकेंगे आप? नौजवान को नशे की गर्त में धकेलने वाला ये प्रदेश, बिल्कुल विपरीत विज्ञापन दिया है आपने। जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं एकदम विपरीत है। अपराधों पर सुरक्षा, महिलाओं पर सुरक्षा, आपके मंत्री कह रहे हैं महिलाओं को रात में निकलने में डर लगता है। हम नहीं कह रहे, हम विपक्षी, हम जो बातें कह रहे हैं आपके मंत्री हैं वो कह रहे हैं। आपके बाबा पकड़ रहे हैं रेत को, हम नहीं पकड़ रहे हैं जाके रेत को। शुद्ध के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं आप, पूरा प्रदेश वसूली अभियान बन गया शुद्ध के खिलाफ युद्ध में। आपने भोपाल का तो एक बड़ा व्यवसायी दुकान बंद करके चला गया, ये पूरे भोपाल में चर्चा का विषय। ऐसे झूठे विज्ञापन तो न छापे हुजूर।